पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने वाली खट्टर सरकार के राज्य में पुलिस प्रशासन की निष्क्रिय कार्यप्रणाली के चलते रेवाड़ी में बदमाशों का कहर इस कदर जारी है कि हर आम और खास भय के साए में जीने को विवश है और पुलिस है कि छोटे मोटे चोर पकड़कर खुद ही वाहवाही लूटने तक सीमित रह गई है तथा उसे आमजन की सेवा और सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं रह गया है। यही कारण है कि आज फिर बदमाशों ने पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक रेस्टोरेंट पर जाकर कैशियर पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि गोली चलने की बजाय तेज धमाके के साथ कट्टे में ही रह गई और कैशियर बाल बाल बच गया। हालांकि इस घटना के दौरान कैशियर को मामूली चोटें आई हैं। हुआ यूं कि यूपी के कन्नौज जिले का रहने वाला राजू पिछले 3 सालों से रेलवे रोड स्थित अप्सरा रेस्टोरेंट पर नौकरी करता था। रोज की तरह आज भी वह कैश काउंटर पर बैठा हुआ था। अचानक वहां 2 नकाबपोश बदमाश आए और उनमें से एक बदमाश ने उसके माथे पर देसी कट्टा तान दिया। जैसे ही वह गोली चलाने लगा तो गोली चलने की बजाय तेज धमाके के साथ कट्टे में ही रह गई और कैशियर बाल बाल बच गया। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों ने जैसे ही शोर मचाया तो बदमाश वहां से 9-2-11 हो गए। मतलब उनको जानते ही नहीं था, इधर से आए थे तो आए थे यहीं खड़ा हो गया हमारे पास गया तो उन्होंने कुछ मतलब पूछा ही नहीं। आए मैं मतलब हाथ डाला मुँह बांधे थे मैं पैसे निकाला सिर में देसी कट्टा लगाया। हाँ तो चक्कर था दर्द क्या था वो? कौन लोग थे वो जो 2 लोग आए? मैं जानते नहीं उनको। कितने कितने लोग थे? 2 थे। कहीं खड़ा हुआ हमारे पास गया था काले मुँह पे बांधे थे फिर तो पड़ा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है मगर इस मामले को लेकर कैमरे पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली रेवाड़ी पुलिस को आमजन की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं रह गया है। देखना यह होगा कि क्या पुलिस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर पाएगी या फिर इस मामले को पहले की तरह ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।